दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि हमने कहा कि पूरे पेपर को निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। यह वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराने का आदेश दिया है, साथ ही पूरे गिरोह को पकड़ने का आदेश दिया गया है। क्या वाकई सीएम योगी ने यह परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने का आदेश दिया है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों दरअसल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें 48 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। दोस्तों कड़ी सुरक्षा और सख्त पहरे के बीच आयोजित हुई परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ स्क्रीनशॉट और फोटो शेयर करते हुए यूजर्स ने दावा किया था कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट और 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक्स पर वायरल पेपर लीक की तस्वीरों के साथ यूजर्स इसे सच बता रहे हैं। यूजर्स ने एक्स भर्ती बोर्ड की ट्वीट के बाद लिखा, लेकिन आप देखें तो यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो 5 बजे के बाद छूटा है, जिसमें निकलने में 15 से 20 मिनट लगता है और बाहर आकर आंसर लिखने में 10 मिनट और पेपर साफ वाकई दिखाई दे रहा है कि पेपर की फोटो दिन में कड़ी धूप में खींची गई है। धूप तो एडिट नहीं किया जा सकती है ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है। दोस्तों इस भर्ती में चारों शिफ्ट के पेपर लीक हुए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है वह पूरी तरह से फेक वीडियो है। वीडियो बहुत ही पुरानी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने पेपर निरस्त करने का आदेश दिया है, वह वीडियो काफ़ी पुरानी है।